नमस्कार, आप देख रहे हैं सारे अशोक नगर और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र बदौलिया। इस समय अशोक नगर जिले की मुंगावली में चुनाव है और अगर आपको चुनाव में दिलचस्पी है तो हमारा यूट्यूब चैनल एसआर अशोक नगर जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको इस चैनल पर तमाम सारी जानकारी मिलेगी। अशोक नगर जिले की मुंगावली में जब से उपचुनाव शुरू हुआ है ऐसा कोई दिन नहीं होता जब यहाँ से कोई सुर्खियाँ ना हो, प्रदेश भर में इस जिले की या मुंगावली की चर्चा ना हो। कल देर शाम एक ऐसा घटनाक्रम घटा जिसने इस चुनाव की चर्चा की सारी सीमाएं तोड़ दी। जैसे ही ये चीज़ सामने आई कि चुनाव आयोग ने अशोक नगर कलेक्टर बीएस जामोद को हटा दिया गया तो पूरे प्रदेश में हल्ला मच गया। अशोक नगर जिले के तमाम सारे व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया और फोनों की घंटियाँ ऐसी बजी कि लोग एक दूसरे से पूछते रहे, पुष्टि करते रहे। इसके बाद कई सारी चीज़ें हुई। अशोक नगर कलेक्टर को तो हटा दिया गया मगर चुनाव आयोग ने तत्समय कोई नए कलेक्टर की तैनाती नहीं की। बताया जा रहा है कि इसके लिए राज्य शासन से 3 नाम मांगे हैं और आप जब ये खबर देख रहे होंगे संभवतः अशोक नगर जिले को नया कलेक्टर मिल जाएगा। इस खबर पर एक सिलसिलेवार या सरसरी तौर पर अगर आपसे बात करें कि आखिर कलेक्टर पर यह गाज क्यों गिरी है तो इसके पीछे की तमाम सारी कहानियां हैं। चुनाव आयोग चूंकि एक स्वतंत्र संस्था है और उसके निर्णय का सबको पालन करना होगा। इस मुद्दे को लेकर आज मुख्यमंत्री से भी बात की, पीडब्ल्यूडी मंत्री रामपाल सिंह से भी बात की। दोनों ने ही चुनाव आचार संहिता का हवाला देकर इस मुद्दे पर ज़्यादा तो कुछ नहीं कहा पर कांग्रेस को जरूर सधे हुए शब्दों में उन्होंने कोसा कि कांग्रेस को सिर्फ शिकायत करना है और हमको विकास करना है। देखिए, कांग्रेस का काम है केवल आरोप लगाना। उनने तो पूरी एक टीम बना रखी है जी और वो पता नहीं कब से पहले से ही बना रखी है, जिनका काम रोज लिख के शिकायतें देना है। हम लोगों का सिर्फ शिकायतों में भरोसा नहीं है, काम पे भरोसा है। अब देखिए, भावांतर भुगतान योजना का पैसा सारे प्रदेश में बट गया, किसानों के खाते में पहुंच गया। यहाँ रुकवा दिया इसलिए कि अशोक नगर और शिवपुरी यहाँ चुनाव है, चुनाव प्रभावित हो जाएंगे। अब इससे ये तो हक है किसानों का, पसीने की कीमत है, लेकिन रोज सिकवा शिकायतें केवल करना ताकि भ्रम का वातावरण पैदा किया जा सके वो कांग्रेस कर रही है। नहीं, इस शिकायत पर कलेक्टर को भी हटा दिया चुनाव आयोग ने। देखिए, मैं चुनाव आयोग की कार्यवाही पर मैं कोई टिप्पणी करना मेरा उचित नहीं है क्योंकि आचार संहिता और मर्यादा में हम बंधे हैं, संवैधानिक संस्था है। मैं इतना कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी काम में विश्वास रखती है, कभी कोई दुरुपयोग हमने। मुझे जो लग रहा है कांग्रेस की जो शिकायत है इस तरह की करना, निर्माण विकास कार्यों को रोक लगाना, ये उचित नहीं है जनता के हित में। हम लोग भी विपक्ष में रहे वर्षों तक, विधायक भी रहे, लेकिन हमने कभी काम रोकने की बात नहीं कही। जनता के बीच में जाए, अपना विश्वास जनता जनादेश को स्वीकार करें, ये स्वस्थ परंपरा है। अभी शिकायत करना, झूठी शिकायत करना, खींचना, इस तरह इस बात का परिचायक है कि वो हार स्वीकार कर ली है। दरअसल ये मुद्दा कांग्रेस से ही शुरू होता है। कांग्रेस ने कुछ समय पहले एक शिकायत की थी जिसमें कुछ नाम उन्होंने सामने रखे थे जो वोटर लिस्ट में 2 जगह 3 जगह या इससे ज़्यादा हैं, या एक ही नाम के कई कई लोग हैं, या एक ही व्यक्ति के कई फोटुओं के साथ में हैं। इसके अलावा मृत हो चुके लोगों के भी वोटर लिस्ट में नाम थे। कुछ 60-62 लोगों की सूची के साथ कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया कि करीब 18-20 हज़ार लोग ऐसे हैं जो जाली मतदाता के तौर पर हैं। और ये मामला इसलिए ज़्यादा तूल पड़ा, शुरुआत में जिला और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच में ये मामला घूमता रहा। इसके बाद सोमवार को केंद्रीय निर्वाचन आयोग के सामने ये मामला पहुँचा और केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने पूर्व की भांति अपना काम किया। पहले भी राज्य निर्वाचन आयोग ने 3 अधिकारियों को लेकर क्लीन चिट दे दी थी, इसके बावजूद उन 3 को हटाया था और लगभग यही रवैया कलेक्टर के मामले में भी रहा। केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देश पर अशोक नगर कलेक्टर को हटा दिया गया, हालांकि उसके पहले कलेक्टर ने खुद 3 BLO को निलंबित कर दिया था। इसके अलावा उस समय के SDM और तहसीलदार को भी नोटिस जारी कर दिया था। अब इस पूरी कहानी के साथ साथ अब आपको वो खबर बताते हैं, दरअसल ये मामला इतना महत्वपूर्ण हुआ क्या और क्या 18-20 हज़ार जाली मतदाता होना संभव है। हमने इस मुद्दे को लेकर खूब खोजबीन करने की कोशिश की, जिम्मेदारों से भी बात की, उस समय के RO रहे उनसे भी बात की, जिला निर्वाचन में जुड़े लोगों से भी बात की।
तमाम सारी चीज़ों के बाद ये सामने आया है कि 18,000 लोग चिन्हित नहीं किए जा सकते और ना ही चुनाव के 4 दिन शेष रहते रहते इसमें दुरुस्ती की संभावना है और ना ही 18,000 लोगों की संभावनाएं नज़र नहीं आती। जिन लोगों को लेकर कांग्रेस ने शिकायत की थी उसमें से कई लोग चिन्हित किए गए थे, गड़बड़ियां मिली थी, उन पर कार्रवाई कर दी गई है। अब एक बड़ा मामला सामने आता है जो प्रदेश स्तर से भी सामने हुआ है। सलीना सिंह का बयान आया है कि कलेक्टरों को ताकीद किया था कि पुनरीक्षण का काम बेहतर तरीके से करें और मतदाता सूची है उस पर जो अच्छे से काम किया जाए, मगर बहुत सारे कलेक्टरों ने ये नहीं किया था। ये मामला सिर्फ अशोक नगर भर का नहीं है या कोई सिंडिकेटेड तौर पर इसमें जाली मतदाता तय किए गए हों, ये भी अभी शुरुआत में जांच के तौर पर सामने नहीं आया। जो हमारे सूत्र बताते हैं अगर उनकी माने तो वोटर लिस्ट में इस तरह की गड़बड़ियाँ आम बात हैं, न केवल अशोकनगर बल्कि पूरे प्रदेश और देश भर में होगा। अगर गंभीरता से विचार किया जाए या इन पर जो है जांच शुरू कर दी जाए तो शायद ही कोई कलेक्टर होगा जो बचेगा, अगर इसके लिए जिम्मेदार कलेक्टर है तो। हालांकि ये बात भी अब सामने आने लगी है कि क्या इसके लिए कलेक्टर सीधे तौर पर जिम्मेदार था, क्योंकि सामूहिक नेतृत्व में भले ही उनकी जवाबदारी तय की जाए मगर ये आरओ और बीएलओस के काम थे जिन्होंने इसमें अनियमितता बरती, उनका निलंबन या उन पर कार्रवाई होना बनती थी और कलेक्टर की कार्रवाई पर सीधे तौर पर अशोकनगर के तमाम सारे युवा व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर या दूसरी जगह पर इस फैसले को लेकर नाखुशी और दुख जो है जता चुके हैं। भारतीय किसान संघ ने तो इस मुद्दे को लेकर खुलकर अपनी राय दी है। उन्होंने कहा है कि ये हटाना गलत हुआ है क्योंकि कलेक्टर बेहतर तरीके से काम कर रहे थे और ख़ासकर किसानों के लिए उन्होंने बताया कि उनका काम ठीक ठाक रहा था। उन्होंने आयोग के काम के बाद या चुनाव के काम के बाद दोबारा कलेक्टर को यहाँ ज्वाइन कराने की या पदस्थ करने की मांग भी की है। कांग्रेस के शिकायत से वह जब शिकायत से कोई चुनाव में तो वो फायदा मिलने वाला नहीं है। ये शिकायत इसकी बहुत पुरानी थी और उसको इसमें तत्काल हटाया गया, वो गलत हुआ है यार, जनता के साथ गलत हुआ है। जो कलेक्टर अशोकनगर कलेक्टर बीएस जामोद थे वो जनता के हित में काम करते थे। अभी तक अशोकनगर में ऐसा कोई कलेक्टर नहीं आया जो जनता के हित में काम करता, जनता को आश्वासन देता था और जनता को धैर्य बनाता था, ऐसा कलेक्टर अभी तक नहीं मिला। हम आगे चुनाव के बाद मांग करेंगे सरकार से, प्रशासन से, तो पुनः इसी कलेक्टर को अशोकनगर में लाया। कलेक्टर बहुत बढ़िया मतलब किसानों के हित में था और लोगों के हित में था। इस मामले से जुड़ी एक दूसरी बड़ी खबर ये है कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले पर और गहन जांच करने के लिए 2 अधिकारियों को नियुक्त कर दिया है। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव आयोग के बड़े अधिकारी जो सेक्रेटरी लेवल के हैं नरेंद्र बिठोलिया बो और पश्चिम बंगाल राज्य के चुनाव आयुक्त अगले कुछ दिनों में यहाँ आएंगे और इस विषय पर और ज़्यादा जाँच करेंगे। बहरहाल अभी की स्थिति ये है कि इस मामले को लेकर चुनाव के समय की ये सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है जिसमें कलेक्टर बीएस जामोद को हटाया गया है। मुंगावली का चुनाव लगातार जोर पकड़ रहा है और जैसे जैसे निर्वाचन की या मतदान की तारीख सामने आती जा रही है मतदाताओं को लेकर रिझाने का काम शुरू हो गया है। उनको पहुंचने या उन तक पहुंच बनाने के लिए तमाम राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री इस विधानसभा में लगातार सक्रिय बने हुए हैं। बीते दिनों भी उन्होंने एक रोड शो किया, मलारगढ़ कस्बे से मुख्यमंत्री का कार्यक्रम शुरू हुआ। यहाँ एक बड़ी जनसभा को मुख्यमंत्री के द्वारा संबोधित किया गया। इस जनसभा में मुख्यमंत्री ने अपनी उस टीस को उजागर किया जिसमें बीते माह की 19 तारीख को उनके आने का कार्यक्रम था मगर आचार संहिता लगने के कारण वो कार्यक्रम रद्द कर दिया। सीएम ने आचार संहिता का हवाला देते हुए कहा कि वो आज कोई घोषणा नहीं कर सकते क्योंकि अगर ऐसा किया तो कांग्रेस शिकायत करने चली जाएगी, पर उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि अगर ये सीट भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो सबसे पहले वो इसी कस्बे में आएंगे। इसके बाद सीएम ने रोड शो किया और कोई 27 गांवों में पूरी दिन और रात आधी रात तक ये रोड शो चला जिसमें जगह जगह सीएम का स्वागत किया गया। दूसरे दिन मंगलवार को मुख्यमंत्री ने रोड शो किया पिपरई गांव में। उसके पहले अपने एक कार्यकर्ता अशोक जैन के यहाँ मुख्यमंत्री ने रात्रि विश्राम भी किया और रात्रि विश्राम के बाद कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक लेने के बाद लोगों से बातचीत की और यहाँ से निकल गए। उत्सव खत्म करने के बाद मुख्यमंत्री ने हवाई अड्डे पर पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कई सारी चीजों को लेकर चर्चा की। देखिए मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। यहाँ की जनता अद्भुत है, जो प्रेम कल ग्रामीण क्षेत्रों में मिला मैं अभिभूत हूँ और रात में भी काफी लेट हो गए। आचार संहिता के कारण माइक बंद
था पिपरी में, लेकिन जनता जैसी सड़कों पे आके स्नेह प्रेम और आशीर्वाद दिया। और आज सवेरी भी वो अभूतपूर्व और अद्भुत है। और इस प्यार को देख के मेरे मन में यही कमिटमेंट पैदा हुआ है कि मैं इस प्यार का कर्ज पिपरई और मुंगावली विधानसभा क्षेत्र का विकास करके उतारूंगा। देखिए, मैं जैसा मुख्यमंत्री हूं, पूरे प्रदेश को परिवार के भाव से मैं चलाने की कोशिश करता हूं। 7.5 करोड़ जनता मध्य प्रदेश की अपना परिवार है, इसलिए विकास और समाज के हर वर्ग का कल्याण, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मेरा लक्ष्य रहा है। और इसलिए इन वर्षों में समाज के हर वर्ग के, गरीब हो, किसान हो, हमारे कमज़ोर वर्ग के भाई बहन हो, सामान्य वर्ग के हमारे बेटा बेटी के मन में भी जो भाव था कि हमारी पढ़ाई, तो उन सब के लिए भी कोई मैंने नहीं छोड़ा, सबके कल्याण की योजनाएं बनाई। चुनाव में भी अगर हम जाते हैं तो दो ही मुद्दे लेके जाते हैं, एक विकास और दूसरा जनता का कल्याण। और लोकतंत्र में चुनाव होते ही इसलिए है कि कौन बेहतर काम करेगा। मेरे मन में एक फांस थी कि मैं अशोकनगर ज़िले का ज़्यादा दौरा नहीं कर पाया था, तो विकास की तरफ भी जितना ध्यान देना चाहिए। और वो स्वाभाविक इसलिए भी है कि कांग्रेस के विधायक सांसद होते हैं तो उनकी कोशिश यही कई बार रहती है कि मुख्यमंत्री आए ही ना। विधायक और सांसद सक्रिय होते हैं तो वो काम करवा लाते हैं, मुख्यमंत्री से समस्याएँ बताते हैं। अब यहाँ ये जो गैप रह गया, उसके कारण विकास के कई काम रह गए। तो मेरे मन में यही भाव पैदा हुआ है कि ये चुनाव 5 महीने का, काम करने के 5 महीने, इसके बाद फिर आचार संहिता लग जाएगी। तो इन 5 महीने में विकास की कसर में 5 साल की पूरी करूं, मेरी मर्यादाएं हैं आचार संहिता के कारण। लेकिन होते ही डेवलपमेंट के लिए चुनाव है, और इसलिए जनता का प्यार, आशीर्वाद और जो स्नेह मिला है उसके लिए मैं जनता का आभार प्रकट करता हूं। और अब मेरे मन में भी ये संकल्प है कि और बेहतर विकास करके हम इस प्यार के कर्ज को भी उतारें और मुंगावली को एक बहुत विकसित, क्योंकि वैसे भी अगर देखा जाए तो मैं जब भी आया, पहले भी जब मैं आया था तो पिपरई को तहसील बनाने की मांग उठी थी। मैं कह के गया था तहसील पिपरई तहसील बन गई। यहाँ कॉलेज, यहाँ नगर पंचायत, यहाँ पानी की व्यवस्था, जहाँ जहाँ नज़र पहले भी पड़ी वहाँ हमने कसर नहीं छोड़ी, आगे भी नहीं छोड़ेंगे। और इन्हीं मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। सोमवार को मुंगावली विधानसभा के गांव में एक ओर जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह प्रचार कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रचार कर रहे थे। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये दोनों प्रचार में रहें और एक ही इलाके में हों और एक दूसरे के बारे में कुछ ना कहें। यूं तो सभाओं में और जनसंपर्क के दौरान एक दूसरे के बारे में बोलते रहे, कहते रहे। इसके बाद जब पत्रकारों ने एक मुद्दे को लेकर दोनों से बात की तो दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे को जमकर कोसा, जमकर उन पर वार किए और ये प्रदर्शित करने का प्रयास किया कि ये पूरा चुनाव उन दोनों के बीच में सिमट के रह गया है। इस चुनाव में विकास या दूसरे मुद्दों की जगह या प्रत्याशियों के चेहरे की जगह अब ये चुनाव शिवराज सिंह और सिंधिया के बीच में ही हो गया। जब इस मुद्दे को लेकर दोनों ही लोगों से बात की तो अलग अलग बात की। रात को अर्रौन गाँव में जन चौपाल के बाद जब सिंधिया जी से पूछा कि एक अखबार में मुख्यमंत्री का ये बयान आया है कि कभी कभार उपचुनाव हार जाना चाहिए ताकि तैयारियों का ठीक से जायज़ा लिया जा सके या कमियों को पूरा किया जा सके, इस मुद्दे पर सांसद सिंधिया ने मुख्यमंत्री पर खूब चुटकी ली। उन्होंने कहा कि शायद वो अपनी दिल की आवाज़ कह रहे हैं और उनकी अंतरात्मा में ये लगता है कि इन दोनों चुनावों को लेकर उनकी ये स्थिति है। हालांकि मुख्यमंत्री ने ये बयान राजस्थान के संदर्भ में दिया था, पर राजनेता हैं ये, हर चीज़ को अपने नज़रिए से देखते हैं और सांसद सिंधिया ने चुटकी लेने में कोई कोर कसर नहीं रखी। हाँ, घर में ही नहीं आया, यहाँ घर में ही नहीं आया, मैं नहीं आया।
दूसरे दिन जब इस मुद्दे को लेकर हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास पहुंचे, तो वो भी कहाँ चूकने वाले थे। उन्होंने भी सिंधिया को आड़े हाथ ले लिया। पहले दबी और छुपी बात जो कहते थे, आज खुलकर बोले लगता है सिंधिया को उन पर ज़्यादा लाड़ आने लगा है, इसलिए वो बार बार उनको जो है टारगेट करते रहते हैं। सीएम ने ये भी कहा कि सिंधिया उनको कभी जो है हत्यारा कहते हैं, कभी ढोंगी कहते हैं, कभी घोषणावीर कहते हैं, और ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आजकल उनको ज़्यादा अपनापन आ गया है। तो मुख्यमंत्री ने भी व्यंग करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अब इन जवानी जंग का मतदाताओं पर क्या असर होगा, और होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि वोट से मायने नहीं रखते, ये सिर्फ राजनीति है। और शायद जनता भी समझती है कि ये बयानों के ऐसे कोई ख़ास मायने नहीं है। देखो, मैं कभी किसी को गाली नहीं देता, आलोचना नहीं करता। उन्हें यह भी कहा कि मेरी लड़ाई शिवराज से है। मैंने कहा मेरी लड़ाई भैया किसी से नहीं है, मैं तो जनता की सेवा करने आया हूँ। पता नहीं वो ऐसी बातें क्यों करते हैं यार, को कुश्ती लड़ने थोड़ी आए हैं भाई। भाई विचार हमारे हैं, हम व्यक्त कर रहे हैं, काम हमने किया हम व्यक्त कर रहे हैं, आप व्यक्त करो। लेकिन पता नहीं वो क्यों मुझसे ज़रा ज़्यादा लाड़ और प्रेम करते हैं। कभी मेरी आत्मा मार देते हैं, कभी मुझे जगा देते हैं, कभी कहते हैं क्या ढोंगी है, कभी कहते हैं हत्यारा है। अब भैया ये अगर उनका स्वभाव है तो उनको मुबारक हो। मैं सबका आदर करता हूँ, सबको प्रेम करता हूँ, सबके कल्याण का भाव रखता हूँ। हम लोग चुनाव लड़ते ही इसलिए है कि हम जीतें और जनता की बेहतर। अरे दोनों सीटों पर कितने आश्वस्त हैं आप जीत के लिए? देखिए, जनता का प्यार और आशीर्वाद जैसा मिल रहा है उसको देखते हुए मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि भाई साहब, मैं ये मानता था कि शायद घरेलू महिला है, लेकिन मैं आश्चर्यचकित रह गया। पहले दिन जब मेरे साथ भाई साहब रही रोड शो में, तो भाई साहब ने जितने गांव में गई थी सबकी समस्याएं गिना दी मुझे। भैया यहाँ पुल बनना है, भैया यहाँ सड़क बनना है, भैया यहाँ ये होना है, भैया यहाँ गरीबी बहुत है। ये वास्तव में बहुत शुद्ध और पवित्र भाव की महिला है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके माध्यम से हम बहुत बेहतर काम कर पाएंगे। क्योंकि जब ये तरफ मन में पैदा हो जाए, नहीं तो चुनाव के समय तो सोचते चुनाव जीतो पहले, तो इसका मतलब ये है कि क्षेत्र के लिए उनका कमिटमेंट है, और इसको देखते हुए हमको लगता है कि जीतेंगे। ठीक है, अब कुछ बड़े विचित्र टाइप के नज़ारे आपको दिखाते हैं। आपको मलकीत सिंह के बारे में ध्यान होगा कि टिकट ना मिलने पर उन्होंने बीजेपी के बड़े नेता प्रभात झा को क्या गजब का कोसा था, और उस समय के बाइट और वो सब चीज़ें आपने सुनी थी उनकी कहने की। और मलारगढ़ में जब मुख्यमंत्री आए तो एक मंच पर इन दोनों का सामना हुआ। यहाँ पर प्रभात झा ने बड़ा दिल किया, वो खुद उठकर जो है मलकीत सिंह के पास पहुँचे, उनका हालचाल पूछा, काफ़ी देर तक सौहार्दपूर्ण उनसे बातचीत भी करते रहे। जैसे ही मीडिया के कैमरे दोनों की इस गुप्तगु पर जो है चमके, तो प्रभात जी ने झट से अपना रुख बदला और फोटो सेशन की स्थिति में आ गए। यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष। साथ ही उन्होंने कहा कि खूब खींचो और बताओ। तो ये एक तरह के दृश्य थे जो जनता को और खासकर मीडिया को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि अब सब कुछ ठीक है, सब कुछ सामान्य है। आपको बता दें कि इस मामले में मलकीत सिंह माफ़ी मांग चुके हैं, और उन्होंने कहा भी है कि वो बड़े भाई हैं, इसलिए उनकी तरफ से जो है अगर मेरे हृदय में जो है बड़ी बात है तो मैं भी उनका सम्मान करता हूँ। और प्रभात झा भी शायद इसी तरह की बात पहले कह चुके हैं, और उन्होंने भी कहने सुनने में मलकीत सिंह को माफ़ कर दिया है। अशोकनगर कलेक्टर बीएस जामोद को हटाने के बाद चुनाव प्रबंधन से जुड़ी एक कमेटी मीडिया को लेकर बनाई गई थी, उसमें दो अशासकीय पत्रकार सदस्य भी रखे थे। आज इन दोनों ने ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मीडिया प्रमाणीकरण एवं मीडिया अन्वीक्षण समिति के दो सदस्य, जिसमें एक मैं खुद हूँ और दूसरे दैनिक भास्कर समूह के यहाँ के ब्यूरो चीफ सचिन शर्मा जी हैं, इन दोनों ने अपना इस्तीफा समिति के अध्यक्ष और जिला पंचायत सीईओ सुरेश कुमार शर्मा को सौंपा है। इनका कहना है कि जिस व्यक्ति के द्वारा हमको नियुक्त किया गया था या इस समिति का गठन किया गया था, और उसको ही जब हटा दिया गया है, तो नैतिक तौर पर उन्हें इस समिति में रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जब नियुक्ता ही नहीं है तो काम करने का कोई
नैतिक आधार नहीं बनता। साथ ही उन्होंने लिखा है कि दुखी मन से उन्होंने यह फैसला लिया है। एमसीएमसी कमेटी का जो उपचुनाव के लिए गठन किया गया था उसमें हम दो अशासकीय सदस्य थे और कल रात को मुख्य जो हमारे जिला कलेक्टर हैं बी एस जामो साहब जिन्होंने हमको नियुक्त किया था उनको निर्वाचन आयोग ने हटा दिया। हमको अपॉइंटमेंट भी उन्होंने किया था इसलिए नैतिक दायित्व तो हम अपना समझते हुए हमने अपना इस्तीफा तभी जो हमारे एमसीएमसी कमेटी के अध्यक्ष हैं उनको दिया है। चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं। तमाम सारे राजनेता झोंक दिए गए हैं। पड़ोसी जिले गुना की राधोगढ़ के कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह भी मुंगावली के कई गांवों में बीते दिनों चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बहादुरपुर मलारगढ़ कैथन सिलवारा एवं दूसरे गाँवों में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब चुनाव जैसी कोई स्थिति नहीं है, अब तो लड़ाई इस बात की है कि कोलारस और मुंगावली दोनों सीटों में कांग्रेस किस पर ज्यादा मतों से जीतेगी। मैं मानता हूं कि दोनों जगह अब ये कंपटीशन हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी की ज्यादा बड़ी जीत कहां पर होने वाली है। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री पद पर प्रोजेक्ट करने को लेकर उन्होंने बोला कि ये मामला हाईकमान का है। सिंधिया के नाम पे सहमति है? देखिए मैं एक विधायक हूँ, जो सब निर्णय लेंगे वो हाईकमान लेंगी, तो उसमें जैसा सर एक आम राय जनता चाहती है जैसे जनता का रुझान देखा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक तरफ पूरा प्रदेश जिसमें मुख्यमंत्री शामिल है मंत्री शामिल है बीजेपी की तरफ से लगे हुए हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी से सिर्फ सिंधिया कांग्रेस को यह चुनाव जिता रहे हैं। एक तरफ भाजपा का पूरा मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री जी और दूसरी तरफ हमारे सिंधिया जी अकेले यहाँ पर जितवाएंगे पूरी कांग्रेस पार्टी को।